अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल इफ यू लाइक सो नॉट। तो जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं और इंशरा उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपको आवाज़ आ रही होगी इंशरा के पीछे से, अब वो मेरे डायलॉग भी बोलने लगी हैं हमेशा की तरह। अच्छा जी, आज बन रहे हैं ज़बरदस्त से मुर्ग छोले मेरे स्टाइल में। तो चलें, मैं बताती हूँ कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने पतीले में ऑयल ले लिया है, साथ में मैं ऐड करूँगी हलीब का देसी घी। जैसा कि अब मुर्ग छोले बन रहे हैं, ट्रेडिशनल खाना है हमारा, तो उसके अंदर घी और स्पेशली अगर देसी घी हो जाए तो उसकी बात ही अलग हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देसी घी ऐड कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। चले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो हमेशा की तरह मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगी, क्वांटिटी आप और किस क्वालिटी की आप चीज़ें ले रहे हैं। जैसे घी अगर आप कौन सा लेना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी है, क्वालिटी और क्वांटिटी आप पर मैंने छोड़ दी है। मैं सिर्फ प्रोसीजर बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने ऑयल लेके देसी घी ऐड करके उसमें आप प्याज डाल दी है। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बनाऊँगी, जितना मुझे मसाला चाहिए, जितना तेज़ चाहिए। आप सिर्फ प्रोसीजर पे ध्यान दें और ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। अब जी ये प्याज हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेप के साथ। अच्छी प्याज थोड़ी सी कलर अपना चेंज कर लेगी, तब मैंने जी इसके अंदर ऐड कर दी है सिनेमन स्टिक एक, ये नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है जी। अब इसको अच्छा सा परफेक्ट ब्राउन कलर देंगे, देन फिर हम अपनी दूसरे स्पाइसेस ऐड करेंगे। जी वीवर्स, यहाँ पे अनियन का कलर चेंज हो गया है जैसा मुझे चाहिए, बस विद इन 5 सेकेंड्स वैसा कलर आ जाएगा इंशाल्लाह। अब जी इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो मैं डालने लगी हूँ, वो मैं डालने लगी हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में ही ग्रीन चिली का पेस्ट। अब ये आप पर है, आप चॉप करके ग्रीन चिलीज डालना चाहें, मेरे पास पेस्ट पड़ा था तो मैंने वही डाल दिया। अब इस स्टेज पे हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे, ठीक है जी। ये फ्राई हो रहा है, इसी दौरान मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई होने देंगे। अच्छे से इसकी बुनाई करनी है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ चिकन की अच्छी सी बुनाई करेंगे हम, और सारा पानी इसका जो चिकन का है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। चिकन का जो भी नमी होती है वो हम सॉरी उसका जो मॉइस्चर होता है अंदर, जो जूसी फ्लेवर होता है वो हम चिकन के अंदर लॉक कर देंगे। और वो कैसे होगा कि हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसकी अच्छे से बुनाई मैंने कर ली है और बुनाई के बाद भी अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये टमेटोज क्यूब्स में कटे हुए, ठीक है जी। अब इसको जब हमने टमेटोज डाल देने हैं तो हमने स्टोव को मीडियम टू लो कर देना है, ताकि अब मुझे टमाटरों को गलाना है और अच्छा सा टेंडर कर लेना है, ताकि अच्छा सा मेरी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो जी ये मेरे स्पाइसेस रेडी हो गए हैं। ये जी है कुटा हुआ भुना हुआ धनिया और ज़ीरा, पेपरिका पाउडर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, और साथ में है चिकन क्यूब। नमक मैंने थोड़ा ही डाला है बिकॉज मैंने चिकन क्यूब ही यूज़ करनी है, और मैंने जब छोले बॉईल किए थे तब उसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट था, तो ये कि सब चीज़ें एडजस्ट करनी है। अब इस स्टेज पर जब मेरे टमाटरों को थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अभी भी उनको ज़रूरत है अच्छा सा सॉफ्ट होके मसाला बनने की, और बाय द टाइम मैं इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस डाल दूँगी और साथ में चिकन क्यूब भी डाल दूँगी। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और अब मैं इसको इस स्टेज पे ढक दूँगी, पानी नहीं डालूँगी। मैं चाह रही हूँ मेरे स्पाइसेस को थोड़ी सी भुनाई मिल जाएगी, तो ये कि अच्छे से फ्लेवर्स चिकन में बज जाएंगे इंशाल्लाह। जब टमाटर मेरे भुन जाएंगे तब मैं आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ। जी तो भुनाई इस हद तक आ गई है। अब जी इसके अंदर जाएगा दही, और ये जो ग्रीन चीज़ आपको दिख रही है ये धनिया नहीं है, ये मेथी है, छोटी वाली साबुत मेथी, और ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और दही का जो पानी रिलीज़ होगा चिकन, उससे हाफ डन हो जाएगी इंशाल्लाह, बाकी फिर हम छोले डाल के पकाएंगे। अच्छा, जो ये छोले हैं मेरे पास, ये मैंने जैसे हम गलाते वैसे गलाए थे, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे छोले टूटे हुए नहीं हैं, अटे नहीं हैं। तो ऐसे छोले अगर आपने बॉईल करने हैं, तो जब बॉइलिंग के लिए आप छोले रखते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा सोडा, नमक और ऑयल थोड़ा सा अगर आप डाल दें, अ डैश ऑफ ऑयल, तो आपके छोले फटेंगे नहीं
उनकी जो वो है वो लेस बरकरार, मतलब पोजीशन उनकी बरकरार रहेगी, मतलब ये कि छोले आपके साबुत आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। बस जी फिर मिलती हूँ दही डालकर, आपको दिखाती हूँ कि आप स्टेप है हमारा फिर आगे। अच्छा जी, अब चिकन जब इस स्टेज पर पहुँच जाएगी तब जी इसके अंदर मैं ये पेस्ट डालूंगी जो है धनिए पुदीने का, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है खोपरा, नॉर्मल कोकोनट पाउडर जो होता है वो, और उसको डाल के पीस लिया। तो ये चीज़ इसके अंदर जाएगी इंशाल्लाह, और आप फ्लेवर चेक कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, लाहौरी मुर्ग छोले खाने को मिलेंगे इंशाल्लाह। अब इसको देख रहे हैं आप कितना अच्छा भुन गया है। अब इसको मैं थोड़ी देर और भुनाई करूँगी, और फिर इंशाल्लाह इसके अंदर हम लोग पानी डाल के चिकन को पकने तक पकाएंगे, ठीक है जी। दही डालने के बाद हमारी चिकन की ये सिचुएशन हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसको ढक दूँगी, और 5 to 6 मिनट्स हम इनको पकाएंगे, या फिर जो दही का पानी है वो ड्राई होने तक पकाएंगे इंशाल्लाह। मैं मिलती हूँ आपसे। तो जी ये हमारी स्टेज आ गई है चिकन की, जिस पर मैं अब ये छोले जो हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी मैंने छोले ऐड कर दिए हैं। अब छोले ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा इसकी भुनाई वगैरह कुछ करनी नहीं है, तो बस मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जितनी जैसे मुझे कंसिस्टेंसी फाइनल चाहिए। जो राइट नाउ है ये फाइनल कंसिस्टेंसी है इसकी जितनी मुझे चाहिए, लेकिन अभी चिकन में थोड़ी कसर है और मैं चाहती हूँ छोले भी थोड़े से मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब करें, इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करके इसको ढक दूँगी, पकने दूँगी जस्ट फॉर 10 to 12 मिनट्स इंशाल्लाह। देन फिर आपके साथ फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। जी वीवर्स, तो रेडी हो गए हैं मेरे मुर्ग छोले। इसको आप बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें, घर की रोटी के साथ, या तंदूरी नान के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। डू लेट मी नो बाय कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जी जब टेस्टिंग होगी इंशाल्लाह तो उसका मैं ब्लॉग अलग बनाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।